भारत की प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिने जाने वाला दिल्ली का पुराना किला उन चंद भारतीय किलों में गिना जाता है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कई किस्सों में शरीक हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस किले से जुड़े उन तथ्यों के बारे में आज भी बहुत लोग नहीं जानते, जिससे ये साबित होता है कि पुराना किला सिर्फ नाम से ही पुराना नहीं है। मौजूदा पुराना किला के निर्माण का खिताब दो शासकों मुगल बादशाह हुमायूं और सूर शासक शेरशाह सूरी को दिया जाता है, मगर यहां हुए पुरातात्विक उत्खनन, स्थानीय दंत कथाएं और ऐतिहासिक जानकारियों ने इसके इतिहास को एक नया चेहरा दिया है। आइए आपको इनसे मालूम हुई कुछ बातें बताते हैं। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार आज जहां पुराना किला स्थित है, कभी एक जमाने में महाभारत में जिक्र की गई पांडवों की प्राचीनतम राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। दिलचस्प बात यह है कि महाभारत के अलावा इसका जिक्र हमें 14वीं शताब्दी में लिखी तारीख फिरोजशाही और 16वीं शताब्दी में लिखी ऐन अकबरी में भी मिलता है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि 19वीं शताब्दी के दौरान किले के भीतर इंद्रपत नाम का एक गांव हुआ करता था। अभी तक हमें इसको साबित करने के लिए कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं, मगर इसकी खोज अभी भी जारी है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की छठी नगरी पुराना किला के प्रांगण में मौजूद थी? सन 1540 के दशक के मध्य में सूर शासक शेरशाह सूरी द्वारा बसाई गई ये नगरी शेरगढ़ हुआ करती थी। इसको हुमायूं की बसाई नगरी दीन पनाह को तुड़वाकर बनाया गया था, जो कई इतिहासकारों के मुताबिक मुगलों की पहली राजधानी थी। किला ए कुन्हा मस्जिद, शेर मंडल और लाल दरवाजा जैसे इमारतें जो किले के भीतर और आसपास मौजूद हैं, शेरशाह के शासनकाल में प्रचलित स्थापत्य के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। किले के भीतर मौजूद है शेर मंडल। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित यह इमारत अधिकांश रूप से लाल बालू पत्थर से बनवाई गई थी। ये एक दो मंजिला अष्टकोणीय इमारत है। जब सन 1555 ईस्वी में हुमायूं सत्ता पर वापस आया, तब शेर मंडल उसकी पुस्तकालय और वेदशाला बनी। माना जाता है कि यह दिल्ली की पहली वेदशालाओं में से एक थी, मगर दुर्भाग्यवश से हुमायूं इस जगह का लाभ पूर्ण रूप से नहीं ले पाया, क्योंकि 24 जनवरी सन 1556 में इसी जगह पर नमाज पढ़ते वक्त हुमायूं फिसला और अपनी चोटों के कारण गुजर गया। माना जाता है कि हुमायूं के मकबरे के निर्माण तक हुमायूं यहीं दफन था। बहुत लोग ये नहीं जानते कि सन 1911 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तब राजपथ को पुराना किला से जोड़ा गया था। वजह यह थी कि वाइसरॉय हाउस, जो आज एक उठान पर राष्ट्रपति भवन के तौर पर मौजूद है, यहां से पुराना किला को देखा जा सकता है, जिससे दोनों के बीच एक प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक संबंध मालूम होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सहयोगी सेना ने मलाया और सिंगापुर से कई जापानी नागरिकों को अपनी गिरफ्त में किया, तब उनको दिल्ली के पुराना किला और राजस्थान के देओली में सन 1942 से लेकर 1945 तक रखा। ठीक वैसे ही पुराना किला दिल्ली में उन चंद जगहों में से एक थी जहां 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पनाह दी गई थी। इन्हीं शरणार्थियों में मशहूर धावक मिल्खा सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने यहां कुछ महीने बिताने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा का रुख किया था। पुराना किला की सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि सन 1803 में अंग्रेजों के दिल्ली कब्जाने के बाद यह 19वीं शताब्दी से ही पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुका था, जहां अंग्रेज भारी तादाद में आया करते थे। कई फिल्मों,
कार्यक्रमों और सांस्कृतिक समारोह का हिस्सा बन रहा पुराना किला आज भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करता है।